श्री नृसिंहनाथ उड़ीसा का एक मंदिर जो बरगढ़ जिला का पाइकमाल के पास गंधमार्दन पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। गंधमार्दन पर्वत में है ना नृसिंहनाथ टेम्पल, इसीलिए यहाँ पे ये सब जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक का सब पेड़ पौधा मिल रहा है ना। ये आसने वो कोई भी ये सब क्या क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है, वो आने के बाद बताएंगे। ये सब सही जंगल में मिलती ना। आते हमको थोड़ा रात हो गया, पता नहीं कैसे आएगा वीडियो, थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। रो रो रो, ये साइड सब डेवलपमेंट चल रहा है इसलिए इसे ऊपर घूमते हुए जाना पड़ेगा। बाबा तो कहीं कांदी कांदी उस चुकी ते देख लू तोरी फोटो मुने ली कांदिया फोटो टापो के भी तरह बुझे ना नहीं ते देख भाई देख लू कितना चुपचाप ही चलती देख नजरिया लागे नहीं कहियो नजरिया लागे। सब खतरनाक डेवलपमेंट चल रहा है इसलिए सब जगह पे डस्ट भरा हुआ है। अभी ये सब अच्छा था लेकिन ये सब। इस मंदिर का निर्माण 1313 शताब्दी में पटनागढ़ के राजा बैजल सिंह देव ने करवाया था। इस मंदिर का ऊंचाई 45 फीट और इस मंदिर को दो हिस्से में बांटा गया है। पहले में नृसिंहनाथ की मूर्ति पूजा की जाती है जबकि दूसरे में जगमोहन की पूजा की जाती है। मेन मंदिर के बगल से ऊपर जाने के लिए रास्ता है इधर है ना, ऊपर को ठाकुर अच्छा क्या हाँ काली अच्छा ना दक्षिण काली। आप जब ऊपर मंदिर जाओगे ना तो नीचे वाला मंदिर एकदम मस्त दिखता है, ऐसे ही ड्रोन व्यू आ जाता है। किंवदंती के अनुसार इस जगह पर एक बार एक शक्तिशाली राक्षस ने अत्याचार किया था। जब विष्णु उससे मारने के लिए बाहर आए तो उसने चूहे का रूप धारण करके एक होल का अंदर चला गया, तो विष्णु ने तुरंत एक बिल्ली का रूप धारण किए और उससे खाने के लिए उस छेद के बाहर बैठे रहे। लेकिन मूषक राक्षस बिल्ली से डर के तब से बाहर नहीं आया, इसीलिए तब से भगवान विष्णु को इस स्थान पर बिल्ली का रूप में पूजा की जाती है। चलो हम ऊपर आ गए, इधर एक्चुअली माँ दक्षिणाकाली के मंदिर है, दर्शन करेंगे। अब दक्षिणाकाली मंदिर से जैसे ही ऊपर आओगे ना, इधर भी गाड़ी जाने का रास्ता है, मैप में डाला हुआ है, एक वाटरफॉल है, तो वहाँ तक जाना संभव रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन ये देखो ये रास्ता बनाया हुआ है। अभी जा रहा हूँ वो वाटरफॉल के पास। एक्चुअली क्या ना अंधेरा हो रहा है ना इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो बनाना पड़ रहा है, आने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ पे एक जो गेस्ट हाउस है शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रहेगा, वो बोल रहे हैं यहाँ से वो वाटरफॉल 3 किलोमीटर है, कपिलधार वाटरफॉल है, जो कि जाना संभव नहीं है पैदल, गाड़ी ले के आता तो चला जाता लेकिन ठीक है, उसका कुछ फोटो डाल दूंगा मैं, क्योंकि पैदल जाना और आना, शाम भी हो चुका है, 5 बज चुका है, तो नीचे देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। पहली बार आया था तो इधर ही एकदम पानी ज़बरदस्त चल रहा था और मेरा दोस्त और मैं इधर नहाए थे, लेकिन वो बरसात का टाइम था, बहुत पानी आ रहा था। अभी थोड़ा कम पानी है, वहाँ पे भगवान नृसिंह का मूर्ति है,
और उनका ऊपर तक पानी में हाथ में पानी फेंक रहे हैं। देखते हैं हम भी कोशिश करेंगे। चलो 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 स्टार्ट करो स्टार्ट करो। चलो हो गया सक्सेसफुल। इधर हर जगह पे आपको पत्थर में कुछ भगवान का स्टैचू, मतलब कटिंग करके भगवान का स्टैचू बनाया हुआ दिखाई देगा। अभी यहाँ पे भी, वहाँ पे तो लोग पानी फेंक रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। अभी देखो यहाँ पे भगवान गणेश जी का स्टैचू बनाया हुआ है। यहाँ की मुख्य फेस्टिवल बैसाख फेस्टिवल होता है। बोल के सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करना पड़ रहा है, आप जरा बढ़ाइए ना, 8000 से 80000 तक ले लीजिए, हो जाएगा ना। धन्यवाद। मेहनत हो रहा है तो जरूर अच्छा लगेगा वीडियो, ऐसा कुछ नहीं, टाइम लगेगा। थोड़ा और जल्दी आते तो अच्छा रहता, लेकिन चलो जितना टाइम मिला उतने में ही कोशिश किया। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कहाँ पे भी जा रहे हो ना, कुछ भी एंटरटेनमेंट मिलता है तो छोड़िए ना, कुछ भी एक्टिविटी मिल रहा है तो उसको करने का, ऊपर जाने का। अभी देखो ऊपर जा रहे हैं लोग। जब तेज बरसात रहता है तो ये यहाँ पे आप नहीं आ सकते, इसलिए बारिश नहीं है, आप ऊपर का आनंद ले सकते हैं। चलो लेकिन क्या क्या करना पड़ रहा है सब्सक्राइबर के लिए, फोटो भी खींचना पड़ रहा है, कैमरा मैन बनना पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ वीडियो को एंड कर रहा हूँ यहीं पे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट के साथ आपका मत दीजिए। भाई लोग डर गए, बोले कौन साला पीछे चिल्ला रहा है।